वीडियो देखने से पहले क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन पर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करिए हमारी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हमें से बहुत कोई चाहते हैं एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करना कम मेहनत में, मतलब बहुत सारों के पास टाइम नहीं होता है कि क्या तो वो वीडियोस बना पाएँ, ब्लॉगिंग कर पाएँ, कुछ इवेंट कर पाएँ या कुछ फ्रीलांसिंग साइट्स पे जुड़ पाएँ, पर वो चाहते हैं कि कम समय पे रहते हुए यानी कि ज़्यादा समय ना लगाते हुए भी एक अच्छा सेटअप लग जाए यानी कि अच्छा इनकम आपको जनरेट हो जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटो ब्लॉगिंग के बारे में। ऑटो ब्लॉगिंग जैसा कि नाम से पता चलता है ये जो ब्लॉगिंग होगी वो खुद ब खुद होगी। तो ऑटो ब्लॉगिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और ऑटो ब्लॉगिंग है क्या, आज वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं टेक्निका। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया साइट्स पे ऑटो ब्लॉगिंग के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, इसलिए मैंने भी सोचा क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था पर्सनली ऑटो ब्लॉगिंग के बारे में। तो आज के जो हमारे फीचर कमेंटर हैं वो है आशीष मिश्रा, उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा तरीका बताइए जो कि नया भी हो और उसमें आपको अच्छे खासे इनकम भी जनरेट हो जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटो ब्लॉगिंग के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी, जो कि आपको पहले जान लेने चाहिए। अब जैसा कि नाम से पता चलता है ऑटो ब्लॉगिंग यानी कि ऑटोमेटिक और ब्लॉगिंग यानी कि हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं ब्लॉगर पे, बहुत मतलब अलग अलग साइट्स हैं उसमें हम ब्लॉगिंग करते हैं तो उसके जरिए हमें पैसे मिलते हैं उस ब्लॉगिंग साइट पे, यानी कि हमारी जो ब्लॉगिंग पेज होगी उस पर कुछ एड्स आते हैं जिसके कि हमें पैसे मिलते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग करते होंगे तो ये टर्म आपने शायद सुना होगा, पर ज़्यादातर लोगों के लिए ये जो टर्म है ऑटो ब्लॉगिंग वो नया है। अब ऑटो ब्लॉगिंग में होता क्या है कि हम किसी भी कोई भी नॉर्मल साइट यानी कोई दूसरे साइट्स की आरएसएस फीड को यूज़ करते हुए उनकी जो पोस्ट होती है उसको अपने ब्लॉगिंग पे मतलब अपने ब्लॉग साइट्स पे दिखाते हैं। मतलब जैसे कि कोई एक बड़ा वेबसाइट है, मैंने उसकी आरएसएस फीड की अगर उसमें फीचर दी हुई है तो वहाँ से हम आरएसएस फीड को कॉपी कर लेते हैं और उस आरएसएस फीड को अपने ऑटो ब्लॉगिंग में हम यूज़ करते हैं। अगर आप ब्लॉगर का यूज़ करते हैं ऑटो ब्लॉगिंग के लिए तो आपको IFTTT यूज़ करना पड़ेगा उस आरएसएस फीचर को यूज़ करने के लिए। आपको सिंपली करना क्या पड़ेगा कि उस RSS लिंक को कॉपी करके IFTTT पे लगाना पड़ेगा, आपके ब्लॉग में वो पोस्ट डालता रहेगा। दिन में आपको लगभग 50 से 100 पोस्ट हो सकते हैं अगर आप अच्छी साइट्स चुन लें, मतलब जिसमें आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलते रहते हैं, क्योंकि साइट्स की कमी नहीं है, साइट्स लाखों करोड़ों सैकड़ों हैं, आप उनमें से कुछ का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करें ऑटो ब्लॉगिंग के लिए तो आपके पास होना चाहिए VPS RSS एग्रीगेटर और आपका जो डोमेन होना चाहिए वो अच्छा खासा होना चाहिए, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जो वर्डप्रेस पे ऑटो ब्लॉगिंग थोड़ी मुश्किल है पर हाँ उस पर भी आपको ऑटो ब्लॉगिंग जो हो जाएगी। इसमें बस आपको सिंपली दोनों ही मतलब ब्लॉगर और मतलब वर्डप्रेस दोनों ही में आपको बस सिंपली आरएसएस फीड को ढूंढना है, कॉपी करना है, लिंक करना है और पेस्ट कर देना है और आपकी जो ऑटो ब्लॉगिंग होगी वो खुद ब खुद हो जाएगी। आप सोचेंगे कि ये टर्म थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो रहा हो तो इसलिए मैं आपको जल्द ही इसके प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा, और आप चाहे तो मेरे ख्याल से वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने ऑटो ब्लॉगिंग कुछ दिन की थी और उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी ब्लॉग पोस्ट आ गई होंगी, मैंने उस पर शायद 2 या 3 पोस्ट की थी खुद से और यूट्यूब पे कुछ पोस्ट की थी और बाकी सारी ऑटो ब्लॉगिंग है इसमें। अब सीधे आते हैं इसके फायदे पे, ऑटो ब्लॉगिंग के फायदे पे। ऑटो ब्लॉगिंग का सबसे पहला फायदा होता है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है और आपकी जो इनकम यानी आपकी जो कमाई होती है वो हो जाती है काम भर। दूसरा जो पॉइंट आता है, आपको कोई पोस्ट नहीं लिखना पड़ता है, पोस्ट को रेगुलर नहीं करना पड़ता है, आपकी जो पोस्ट है वो खुद ब खुद रेगुलर होते रहती है, यानी कि आपकी जो पोस्ट होती है वो दिन में खुद ब खुद अपने आप आपके साइट्स पे डिस्प्ले होने लगेगी, आप चाहे तो वहाँ से आप देख भी सकते हैं, इसमें आपको मेहनत थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब तीसरा पॉइंट जो आता है वो जो थोड़ा SEO के टर्म में चलते हैं कि आपकी पोस्ट मतलब कि जो ब्लॉगिंग साइट पे जितनी ज़्यादा पोस्ट होगी उसकी गूगल सर्च रैंक यानी SEO उतनी ही ज़्यादा तेज होगी, यानी आपकी जो रैंकिंग होगी उस आपकी जो वेबसाइट की आपकी ब्लॉग की वो बहुत ज़्यादा मतलब कि हाई कर जाएगी, रैंक हाई करेगी, जिससे कि आपकी इनकम और भी बढ़ने की उम्मीदें हैं। अब आपके साइट पे अगर बहुत ट्रैफिक हो गया तो पैसे कमाने के तरीके हज़ारों हैं, सिर्फ हमें एड्स के ही पैसे नहीं मिलते, बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, स्पॉन्सरशिप्स भी मिलते हैं ब्लॉगिंग पे भी, तो आप ज़्यादा से स्पॉन्सरशिप्स भी यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत सारे बिजनेसमैन से भी कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको स्पॉन्सर्स भी कॉन्टैक्ट करेंगे आपको खुद खुद की मेरे कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने के लिए, तो आप चाहे तो वहाँ से भी अलग से भी पैसे कमा सकते हैं। अब पांचवा पॉइंट जो कि हमारे जैसे यूजर्स के लिए आता है, अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो आप इसे बस सेट कर दो और रोज़ दिन बस एक लिंक अपने सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर आप इसे शेयर लिंक कर दो। अब आप एक एग्जाम्पल ले लो, अभी जो एक होटल की साइट्स आ रही हैं अगर बहुत सारे प्रचार देखते हैं टीवी पे, तो वो भी एक तरह देखा जाए तो ऑटो ब्लॉगिंग टाइप का ही कंटेंट है, जिसमें होता क्या है कि बहुत सारे होटल के प्राइस को एक साथ रख के और आपको एक डिस्प्ले पे दिखा दिया जाता है, जैसे कि आप
उस साइट की कमाई हो जाती है और जो जो सेकेंडरी साइट है उसको भी कुछ अपना कमीशन मिल जाता है। अब ऑटो ब्लॉगिंग के कुछ नुकसान भी हैं जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है। ऑटो ब्लॉगिंग में अगर आप एडसेंस यूज करते हैं तो आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो परमानेंटली बैन भी हो सकता है। तो आप अपने एडसेंस अकाउंट को मत ही यूज करिए, आप उसके जगह कुछ अपना अल्टरनेटिव अकाउंट यूज करिए। और अगर आप एडसेंस यूज भी कर रहे हैं तो अपना प्राइमरी आईडी यानी प्राइमरी जीमेल आईडी बिल्कुल ही नहीं यूज करिए। अब दूसरा, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं वो मतलब अपने ही में एक यूनिक होते हैं, वो दूसरे की जल्दी कॉपी नहीं करते हैं, पर ऑटो ब्लॉगिंग में आप समझिए वो सिंपली कॉपी होने हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट जो उसकी ब्लॉग पे वो आपकी ब्लॉग पे दिखेगी। तो अगर आपको ऐसा करने में अगर सही लग रहा है तो आप कर भी सकते हैं, अगर आप खराब लग रहा है तो आप नहीं करिए। जैसे कि मैंने ही ऑटो ब्लॉगिंग बंद कर दी, मैंने बस एग्जाम्पल यानी वीडियो बनाने के लिए अपनी ऑटो ब्लॉगिंग करके दिखाई थी, उसकी प्रैक्टिकल वीडियो आपको जल्द ही कल या परसों या तरसों तक में आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट, आपकी साइट को पेनलाइज किया जा सकता है गूगल के द्वारा, तो आपको इससे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। आपकी साइट की सर्च रैंक ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO नहीं बढ़ेगी अगर देखा जाए तो। क्यों? अगर कोई आप कहाँ से भी आप RSS फीड उठा रहे हो, वो अगर बहुत ज़्यादा मतलब कि एडवांस वेबसाइट यानी बहुत ज़्यादा उस पर ट्रैफिक है तो लोग उसकी पोस्ट छोड़ के सेम पोस्ट आपकी ब्लॉग्स पे देखने क्यों आएंगे? हाँ, पर अगर आपके पास भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आप भी चाहे तो अपनी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए शुरू में, तो आपकी जो ट्रैफिक है वो खुद ब खुद आनी शुरू हो जाएगी, पर आपको शुरू में ट्रैफिक ला के आपको अपने ब्लॉग पे देना पड़ेगा। अब आता है पांचवा पॉइंट, अगर आप ब्लॉगर का यूज़ कर रहे हैं ऑटो ब्लॉगिंग के लिए, तो आपकी आईडी पर अगर किसी ने रिपोर्ट कर दिया सही से, अगर मतलब जिस कंटेंट मतलब जिसको जो कि उसका कंटेंट क्रिएटर है, तो आपकी आईडी हमेशा के लिए बंद हो सकती है, हमेशा के लिए बैन हो सकती है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि कुछ भी हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं वीडियो ही बना रहा हूँ, तो मैं आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए, आपसे डायरेक्ट अपनी मतलब ओरिजिनलिटी लेके आपसे जुड़ने के लिए जुड़ रहा हूँ। अगर मेरी सेम वीडियो को किसी दूसरे चैनल पे मिल रही है, मतलब मेरा वो प्राइमरी चैनल मतलब मेरी वीडियोस आपको किसी और चैनल पे मिल रही है, तो आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप उसकी वीडियो क्यों देखेंगे दूसरी बार अगर बिल्कुल सेम वीडियो है? ऊपर से जो गाली सुनने के लिए मिलेगी हमें कमेंट्स में वो अलग बात है। तो कोई भी रीडर्स किसी ओरिजिनल ब्लॉग मतलब कि कोई किसी ओरिजिनल ब्लॉगिंग साइट को छोड़ के जल्दी ऑटो ब्लॉगिंग मतलब कि कोई फेक ब्लॉगिंग साइट्स पे जल्दी नहीं जाएगी। आप ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ऑटो ब्लॉगिंग खराब नहीं है, ऑटो ब्लॉगिंग अपनी जगह सही है, पर ऑटो ब्लॉगिंग करने के लिए भी आपको दिमाग लाना पड़ेगा, क्योंकि नकल के लिए अकल होनी जरूरी है। आप सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऑटो ब्लॉगिंग एक बार सेट कर दिया, पैसे आने शुरू हो गए, कमा लिया बहुत कमा लिया। आप ऑटो ब्लॉगिंग करके ऑन करके छोड़ दो, एक व्यूज नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, एक व्यूज नहीं आएगा आपके अलावा, या आप किसने किसी को शेयर नहीं किया तो। आपको शुरू में शेयर करना पड़ेगा, बूस्ट देना पड़ेगा आपको अपनी ब्लॉगिंग साइट पे, अपनी वेबसाइट को, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि जैसे कि अभी हमारे यहाँ टेक्निकल गुरु जी हैं, कोई उनकी वीडियो अगर सेम मैं उनकी जैसे वीडियो बनाऊँ एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ बोल दूँ, तो उनकी वीडियो छोड़कर कौन मेरी वीडियो देखने आएगा? तो अपनी कुछ ओरिजिनलिटी रखनी पड़ती है सब जगह, पर आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा शुरू में बूस्ट देना पड़ेगा। तो आइएगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अगर कोई दिक्कत हो ऑटो ब्लॉगिंग में तो आप नीचे करके कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको पर्सनली आपको जवाब दे दूंगा, आपको आंसर दे दूंगा, जिससे कि आपकी ऑटो ब्लॉगिंग और भी स्मूथ हो जाएगी। अगर आपने इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर नीचे चैनल का आइकन दिख रहा होगा गोल सा, उस पर भी आप सिंपली क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, आप चाहे तो हमारी पुरानी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं।